हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है चमन बहार। इस मूवी में हमें नजर आते जितेंद्र कुमार, रितिका बदायनी, भुवन अरोड़ा और आलम खान। इसे डायरेक्ट किया अपूर्व धर ने। इस मूवी की ओवरऑल लेंथ है करीब 2 घंटे की। लेकिन इस मूवी का रिव्यू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वो ये है कि मेरी वाइफ का एक फूड चैनल है जिसका नाम है फूड कोर्ट जॉय ऑफ लर्निंग। वहां पर आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिलेगी, अच्छी अच्छी रेसिपीज सीखने को मिलेगी। तो आई होप आप लोग उस चैनल को अपने फ्रेंड और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करोगे। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जल्दी जाओ उसको भी इसी तरह से सपोर्ट करो जैसे कि आप लोग हमारे चैनल को करते आए हो। खैर बात करते हैं इस मूवी की। इस मूवी की कहानी शुरू होती है हमारे इंडिया के एक स्मॉल टाउन से, जहां पर हमें नजर आते हैं जितेंद्र कुमार, जिनका इस मूवी में नाम है बिल्लू। उनके और उनके फादर के बीच में इसीलिए नहीं बनती क्योंकि उनके फादर चाहते कि बिल्लू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज ए चौकीदार काम करे, लेकिन बिल्लू को यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए बिल्लू अपने एक दोस्त की मदद से एक पान की दुकान खोलता है। लेकिन थोड़े दिन बाद बिल्लू को यह एहसास हो जाता है कि इसकी पान की दुकान में लोगों से ज्यादा तो मक्खियां भिनभिनाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बिल्लू की दुकान के सामने रहने के लिए आती है रिंकू और उसकी फैमिली। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको बताता कि आपको क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस मूवी की कहानी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर डायरेक्टर ने एक सिंपल कहानी के थ्रू बहुत सारी चीजें हमें बताने की कोशिश की है, जैसे कि एक तरफा प्यार में क्या क्या नुकसान होते हैं वो भी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। और साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे जो डायरेक्टर ने इस मूवी में बहुत ही सही जगह पे इस्तेमाल किए, जैसे कि ज्यादा सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, या तो फिर पुलिस ब्रुटैलिटी, हैरेसमेंट, और किस तरीके से जो नेता लोग कुछ गरीब लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपने इलेक्शन के लिए। और साथ साथ यहाँ पे गरीबी को भी बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया। उसके अलावा इस मूवी में कैरेक्टर्स की बात को तो जितेंद्र कुमार ने जो रोल प्ले किया है बिल्लू का, वो कैरेक्टर मुझे इतना ज्यादा रियल लगा इस पूरी मूवी में कि आप लोग अगर एक बार इस मूवी को स्टार्ट करोगे तो आप ये सोचोगे कि बिल्लू की जिंदगी में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपको उसके कैरेक्टर में स्टार्टिंग में ऐसा बताया कि वो किसी भी तरह से चाहता है कि उसकी शॉप चले, लेकिन धीरे धीरे उसमें जो बदलाव आते हैं उस लड़की के कारण, वो आप इस मूवी में देखोगे तो आपको काफी रियलिस्टिक लगेगा और आप लोग खुद महसूस करोगे हाँ इस तरीके की चीजें वाकई में होती है। उसके अलावा यहाँ पर दूसरे कैरेक्टर सोमू और छोटू, वो दो कैरेक्टर के बारे में तो मैं इतना ही बोलूंगा, अगर आप खाना खा रहे हो और उस खाने में नमक ना हो तो खाना कितना बेस्वाद लगेगा। बिल्कुल इस मूवी में अगर सोमू और छोटू नहीं रहते तो ये मूवी कंप्लीट पैकेज नहीं बन पाती। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स उन सभी लोगों का काम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और रितिका बदायनी की बात करूंगा जिसने यहाँ पर रिंकू का रोल प्ले किया है, उस लड़की का यहाँ पर आपको एक भी डायलॉग सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसका जो प्रेजेंस पूरी इस मूवी में है वही काफी है। और आप जब जब उस लड़की को देखोगे ना आपको भी ऐसा फील आता है कि हाँ वाकई में जो जितने भी टाउन के जो लड़के उसके पीछे दीवाने हो रहे, तो एक वजह है, एक वजह आप महसूस कर सकते हो जब आप इस फिल्म को देखोगे। मैं अपनी इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा भाई, मैं मैरिड हूँ, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। इस मूवी की अगर सिनेमाटोग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ सीन्स देखने को नहीं मिले। मोस्टली यहाँ पर हमें दुकान और उसके सामने वाला जो घर है बस उस वही लोकेशन देखने को मिला, या तो फिर बिल्लू का घर या उसके मोहल्ले के कुछ आसपास की चीजें देखने को मिली। तो सिनेमाटोग्राफी इस मूवी की ओके है। उसके अलावा अगर इस मूवी की लेंथ की बात करें तो वो भी परफेक्ट है, बीजीएम भी अच्छा, और जो बैकग्राउंड में जिस तरीके से सॉन्ग्स को यहाँ पर यूज किए गए ना वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और सोनू निगम का जो सॉन्ग है उसमें वो सॉन्ग मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक दो जगह पे जो लिरिक्स थी वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रही थी, लेकिन ओवरऑल सोनू निगम की जो वॉइस है बहुत ही जबरदस्त है। और दूसरा भी एक गाना है जो सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा है इस मूवी में। तो ओवरऑल अगर इस मूवी को देखा है तो यार अच्छी मूवी है, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग बॉलीवुड के सिटी एक्टर्स को देखना पसंद करते हो, अगर आपको बड़े बड़े बजट की मूवी देखना पसंद है, आपको अगर फालतू की चूतियागिरी देखना पसंद है, तो ये मूवी आप लोग के लिए नहीं है। ये मूवी एक डिसेंट सिंपल मूवी है लेकिन एक स्ट्रांग मैसेज और एक स्ट्रांग सब्जेक्ट के साथ आती है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मुझे भी जाना है बिल्लू की दुकान में पान खाने के लिए, तो मिलते हैं बिल्लू की दुकान पे। तो टिल देन।